हम सबसे पहले मैजिक लूप बना लेंगे हम अपनी ऊन को क्रॉस की सूरत में अपनी उंगलियों पर लपेट लेंगे यहां से हम अपनी ऊन को आउट करेंगे थ्री चेन्स ले लेंगे वन टू एंड थ्री थ्री चेन्स लेने के बाद देखिए इन दोनों फोर ऊन्स के गेट हम यहाँ पर वन टू थ्री फोर और ये हमने ट्वेल्व डबल क्रोशिया ले लेने हैं अपने इस मैजिक लूप के गिर्द ओके फ्रेंड्स देखिए ये मैं इलेवन डबल क्रेशिया ले चुकी हूं और यहां थ्री टाइम्स जो हमारे पास चेन थ्री सिंगल चेन हमने ली थी उसे भी हम एज अ डबल क्रोशिया कंसीडर कर लेंगे तो ये टोटल हमारे पास ट्वेल्व डबल क्रोशिया बन के आ जाएंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व ट्वेल्व डबल क्रोशिया लेने के बाद हम अपने इस मैजिक लूप को टाइट कर लेंगे टाइट करने के बाद हम ये थर्ड स्टिच में क्लोज कर देंगे स्टिच थर्ड स्टिच में हम अपने वर्क को क्लोज कर लेंगे चेन थ्री ले लेंगे वन टू थ्री थ्री चेन लेने के बाद सेम स्टिच में ही हम डबल क्रेशिया ले लेंगे नेक्स्ट स्टिच में ट्वाइस टाइम डबल क्रेशिया ले लेंगे नेक्स्ट स्टिच में ट्वाइस टाइम डबल क्रेशिया नेक्स्ट स्टिच में ट्वाइस टाइम डबल क्रेशिया और ये डबल क्रेशिया लेते हुए हमने अपने इस पूरे सर्कल को कंप्लीट कर लेना है ओके okay, फ्रेंड्स मैं अपना ये राउंड कंप्लीट कर चुकी हूं और इस राउंड के एंड में, में मेरे पास 24 डबल क्रेशिया बन के रेडी हुए हैं अब हम स्लिप स्टिच लगा के अपने वर्क को यहाँ ज्वाइन कर लेंगे चेन थ्री ले लेंगे वन टू थ्री थ्री चेन लेने के बाद सेम स्टिच में ही हम डबल क्रेशिया ले लेंगे नेक्स्ट स्टिच में हम ट्वाइस टाइम डबल क्रेशिया ले लेंगे वन टू नेक्स्ट स्टिच में वन टाइम डबल क्रोशिया नेक्स्ट स्टिच में टू टाइम डबल क्रेशिया और ये इसी तरह वन टाइम टू टाइम वन टाइम टू टाइम डबल क्रेशिया बनाते हुए हम अपने इस सर्कल को कंप्लीट कर लेंगे ओके फ्रेंड्स देखिए मैं अपना थर्ड राउंड भी कंप्लीट कर चुकी हूँ और इस राउंड के एंड पे हमारे पास ये थर्टी सिक्स स्टिचेस बन के आए हैं थर्ड चेन में अगेन हम स्लिप स्टिच लगा के इसे ज्वाइन कर लेंगे यहाँ पर हम टू स्टिचेस स्किप कर देंगे वन टू थर्ड स्टिच में हम वन टाइम डबल क्रेशिया ले लेंगे टू टाइम सेम स्टिच में ही थ्री फोर फाइव एंड सिक्स सिक्स टाइम डबल क्रेशिया ले लेंगे टू स्टिचेस वन टू टू स्टिचेस स्किप करेंगे थर्ड में हम स्लिप स्टिच लगा के अपने वर्क को ज्वाइन कर लेंगे अगेन नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच लगा देंगे नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच लगा देंगे नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच लगा देंगे अब हम यहाँ पर अगेन टू स्टिचेस स्किप कर देंगे थर्ड स्टिच में सिक्स टाइम डबल क्रोशिया ले लेंगे वन Two, three, four, five एंड six. Six टाइम डबल crochet लेने के बाद अगेन हम यहाँ पर one, two स्टिच स्किप करेंगे थर्ड स्टिच में हम स्लिप स्टिच लगा के अपने वर्क को ज्वाइन कर लेंगे ये देखिए अगेन हम यहां पर सिंगल क्रेशिया ले लेंगे नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रेशिया नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रेशिया और ये सिंगल क्रेशिया लेते हुए हमने अपने इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है ओके फ्रेंड्स देखिए मैं यहां तक पहुंच चुकी हूं और मेरा ये राउंड कंप्लीट है अब हम यहां पर स्लिप स्टिच लगा के अपने वर्क को ज्वाइन कर लेंगे अपनी ऊन को कट कर लेंगे कट करके हम अपनी ऊन को बैक साइड पे ले जाके यहाँ पर अटैच कर देंगे देखिए फ्रेंड्स ये कितना प्यारा बन के आया है तो आगे बढ़ने से पहले आप मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे चलिए तो अब हम इसकी आईज बनाते हैं नोज और लिप्स बनाते हैं ओके फ्रेंड्स अगेन हम यहाँ पर मैजिक लूप बना लेंगे मैजिक लूप बनाने के बाद हम चेन टू ले लेंगे टू चेन लेने के बाद हम सिंपल यहां पर सिंगल क्रेशिया ले लेंगे टू थ्री फोर फाइव सिक्स टाइम सिक्स टाइम लेने के बाद हम इसको टाइट कर लेंगे और स्लिप स्टिच लगा के अपने वर्क को यहाँ ज्वाइन कर लेंगे ज्वाइन करने के बाद ये देखिए फ्रेंड्स ये हमने इसकी नोज बनाई है नोज बनाने के बाद हम अपनी इस ऊन को जरा ज्यादा कट कर लेंगे क्योंकि इसी की मदद से हमने इसके लिप्स बनाने हैं और हम यहां से इसको आउट करेंगे ये देखिए अब मैं आपको बताती हूं कि ये देखिए ये हम आईज लगाएंगे यहां पर और यहां पर हम इसकी नोज अटैच करेंगे ये मैं आपको अटैच करके बताती हूं कि हम अब ये कैसे बनाएंगे पहले हम इसकी आइज अटैच कर लेते हैं पहले हम यहां पर इसकी आईज लगा लेते हैं ये देखिए अब सेकेंड आईज हम यहां पर लगा लेंगे अब इस ऊन को इस थ्रेड को हम पीछे से अटैच कर लेंगे अटैच करके इस थ्रेड को हम कट कर लेंगे ओके फ्रेंड्स देखिए ये मैं इसके गिर्द इसके ऊपर आइस लगा चुकी हूँ अब हम इसके साथ नोज अटैच कर लेंगे तो देखिए यहां पर हमने सुई की मदद से इसे स्टिच कर के साथ नोज अटैच कर लेंगे तो देखिए यहां पर हमने सुई की मदद से इसे स्टिच कर लेना है ये देखिए फ्रेंड्स अटैच करने के बाद यहाँ से हम अगेन अपनी सुई लाएंगे और इसको यहां से अटैच कर लेंगे ये देखिए अब हम यहां स्टिच में हम लेंगे ये देखिए फ्रेंड्स अब हमने इस ऊन को बैक साइड पे लाके इसको कट कर देना है यहां पर इसे अच्छी तरह से अटैच करके हम कट कर लेंगे देखिए फ्रेंड्स ये कितना प्यारा बेयर का फेस बन के आया है मैं उम्मीद करती हूं कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी तो नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए कोई और अच्छी सी चीज लेके आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगी फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए गॉड ब्लेस यू एंड अल्लाह हाफिज